अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू परिंदी की फरियाद पार्ट टू। इसमें सवाल आपके जवाब लिखवाऊंगी मैं आपको, तो आप अपनी नोटबुक पर लिखो। सब बच्चों, आप सब लोग अपनी नोटबुक निकालो और ये सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल, परिंदों को गुजरे हुए जमाने की कौन कौन सी बातें याद आ रही है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, तो आप बोले आप प्लीज। हाँ, परिंदे को गुजरे हुए जमाने की मंदरजा से बातें याद आती है, जैसे बहारों में रंग बिरंगे फूलों का खिलना और अपने साथियों का चहचहाना उसे याद आता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर टू, परिंदा कफस में किसकी आवाज सुनने की आरजू करता है? शाबाश, किसकी आवाज? मैंने आपको पढ़ाया है अपने साथियों की आवाज। ये जवाब है, सवाल नंबर टू का जवाब, परिंदा कफस में अपने साथियों की आवाज सुनने की आरजू करता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर तीन, परिंदा खुद को बदनसीब क्यों समझता है? शाबाश, क्यों समझता है? क्योंकि क्योंकि परिंदे के साथी अपने घोंसलों में खुश हैं और अपने वतन में है, ये अकेला इस कैद में है, इसलिए ये खुद को बदनसीब समझता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर चार, परिंदे को अपने वतन की कौन सी चीजें याद आ रही है? शाबाश, कौन सी चीजें उसे याद आती है? ये मैंने आपको पढ़ाया है, परिंदे को अपने वतन के चमन के रंग बिरंगे फूल और अपने साथियों की आवाजें याद
आ रही है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, किस्मत को रोने से क्या मुराद है? शाबाश। किस्मत को रोने से क्या मुराद है? किस्मत को रोने से मुराद बदकिस्मती पर रोने से है। शाबाश। ये हमारे क्या है, 5 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफी है। तो बस अब इस सवाल नंबर 4 इसका है, इस नज्म को जबानी याद कीजिए और दिए गए मिसरों को नसर में लिखें। ये यहाँ पर इसके 4 हैं। जैसे एक है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, इसमें लिखना है मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आता है। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम। दिल पर जब चोट लगती है, जिस दम याद आता है। होती मेरी रिहाई एकाश मेरे बस में, एकाश मेरे बस में मेरी रिहाई होती। इसको नसर में लिखना है। डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं, कफस में डर है मैं यही गम से मर न जाऊं। बस। और क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, इस नज्म को जुबानी याद कीजिए। बस हमारा हो गया ये कंप्लीट।